नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को कोई फोटो भेजता है या फिर आधार अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या फिर वोटर आईडी हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वो स्कैन कॉपी ना करके वो सीधा डायरेक्ट अपने कैमरे से उसका फोटो लेता है और डायरेक्ट किसी को सेंड कर देता है। वहाँ पे क्या होती है कि जब वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो इधर उधर बहुत टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मतलब जैसे फोटो खींचा गया होता है उसी तरह वो प्रिंट आउट निकाल के दे देता है, या फिर उसमें जो प्रिंट आउट किया जाता है वो सही ढंग से प्रिंट आउट होके नहीं आता है। तो हम ये बताएंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट करते हैं उसको फोटोशॉप के जरिए एज ए परफेक्ट, यानी उसको परफेक्ट साइज में या जो फिर टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जब भी आपको CSE से रिलेटेड या फिर आधार से रिलेटेड कोई अपडेट या कोई वीडियोस की ज़रूरत है, या फिर पैन कार्ड से रिलेटेड या CSE से थ्रू जितने भी आपको काम आते हैं उसका हर एक वीडियोस हमारे दूसरे चैनल पर डाला जाता है। उस चैनल का नाम है यहाँ सब कुछ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लिंक से जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम किसी WhatsApp से कोई आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड हम मंगाते हैं तो इस तरह से फ़ोटो खींच के आता है। तो यहाँ पे जब भी हम प्रिंट करेंगे तो वो थोड़ा सा अजीब टाइप का दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ये फ़ोटो खींच के आया हुआ है। अब प्रिंट करेंगे तो ये पूरा साइज आएगा, यानी कि A4 साइज में पूरा आ जाएगा। तो इसको कैसे फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करते हैं वो चलिए हम बताते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फ़ोटोशॉप है वो CS2 है, और इसके ऊपर वाले जो नए वर्जन भी होंगे उसमें भी सेम मेथड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो जिस फाइल को हमें एडिट करना है या जिस फोटो को एडिट करना है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे जाएंगे और जहाँ पे भी उसे रखे हुए हैं तो उसे ओपन करेंगे, उसे सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो हम डाउनलोड में रखे हैं, ये चीज़ें डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसे हम ओपन करेंगे। एक्चुअली जब भी हम किसी WhatsApp से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का भी एरर आता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको JPG में कन्वर्ट करते हैं। JPG कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फोटोशॉप दिया हुआ है, इसे भी कर सकते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर है उसमें भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें आपके सिस्टम में नहीं है तो सबसे आसान तरीका है पेंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि इस इमेज को पेंट में हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये पेंट में ओपन हो चुका है। और इसको क्या करेंगे कि फिर से हम फाइल में जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे JPEG पिक्चर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम इसको डेस्कटॉप पे ही 1 के नाम से सेव कर ले रहे हैं। और जो दूसरी फाइल है, दूसरी फाइल को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओपन विच में जाकर फिर से पेंट में जाएंगे और यहाँ से फाइल में जाकर सेव एज और JPEG पिक्चर में जाकर इसे 2 नंबर डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फाइल हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब चलते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में जाने के बाद यहाँ से फिर से उस फाइल को ऐड करेंगे, ओपन में जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाकर इस फाइल को हम ऐड करते हैं। देखिए ये फाइल अब आराम से ऐड हो गई। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो क्रॉप टूल है इसे क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जहाँ से आपको ज़रूरत है वहाँ से इसको नीचे से करेंगे और अब यहाँ से ऊपर ले लेंगे, आप देख सकते हैं। और इसको जहाँ तक एडजस्ट करना जो साइज होती है उसके जैसे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो एक लेयर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप आपके सिस्टम में या आपके जो फोटोशॉप है उसमें अगर ये लेयर नहीं दिखता है तो जैसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सभी को, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अगर लेयर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो उसके लिए हम विंडो पे जाएंगे और विंडो पे जाने के बाद ये लेयर है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लेयर यहाँ पे फिर से शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लॉक बना हुआ है, तो लॉक को अनलॉक करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर आ जाएगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ T बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं T बटन प्रेस करते ही चारों कोनों पर और बीच बीच में एक डॉट डॉट करके आ गया।
अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इसको अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं अब इसको पूरा अपने अनुसार इसको फिल कर लीजिए यहाँ से, और नीचे भी अगर करना चाहते हैं तो नीचे भी यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एडजस्ट हो चुका है, यानी कि जो भी हमने फोटो, जो भी हमने व्हाट्सएप से जो इमेज या आईडी कार्ड मंगाया है, यानी कि जो आधार कार्ड हमने मंगाया था, वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा धब्बा टाइप का दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा और लाइट लाने के लिए कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे और ये ऑप्शन लेवल का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से अपने अनुसार इसे जितना लाइट देना चाहते हैं आप लाइट दे सकते हैं, इसको बढ़ा घटा कर जैसा आपको डालना चाहते हैं उस तरह से आप करके इसे सेट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले व्हाट्सएप पे जो मंगाया था उससे और इसमें कितना अंतर आ गया, यानी कि इस समय जो है ये परफेक्ट हो चुका है। अब दूसरा जो इसका बैक साइड है उसको भी हम सेट कर लेते हैं, उसके लिए ओपन पे फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे जाएंगे और सेकेंड वाले को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे, इसको हल्का सा जूम कर लेंगे। सेम वही मेथड है, दोबारा हम उसको दोहरा लेंगे, यहाँ से क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके इसे हम क्रॉप करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस कर देंगे, फिर कंट्रोल को दबाए रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेंगे, दोनों कोने से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से अपने अनुसार, जिस तरह से आपका पिक्चर टेढ़ा मेढ़ा है या जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंग आप इस बॉक्स में फिट करेंगे। फिट करने के बाद या तो इस पर डबल क्लिक करें या फिर ऊपर जो है ये क्लिक वाली बटन है, जो सही का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये फिट हो जाएगा। अब इसको भी डार्क, इसको भी थोड़ा सा सही करना है, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों साइड का हमने एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करना है कि इन दोनों को हमें एक पेज पे करना है, तो एक पेज पे करने के लिए पहले तो हम एक नया पेज लेंगे, यहाँ से न्यू पेज लेंगे और यहाँ से प्रेजेंट में A4 साइज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसमें दोनों पेज को इंसर्ट करेंगे, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको साइड बाय साइड रखेंगे, जैसे कि हम फ्रंट पेज को हम यहाँ पे आगे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल से यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करके इस वाले पेज पर ड्रैग कर देंगे, ये आ गया। अब दूसरे पेज पे जाएंगे और इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंट्रोल बटन दबाकर इस पे ले जाकर छोड़ देंगे। अब इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद अब इन दोनों को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, तो एडजस्ट करने के लिए फिर हमें लेयर वाली लाइन यहाँ से लाना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि लेयर वन, ये जो पहले हमने काम किया वो लेयर वन पे काम हो रहा था, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ले जाएंगे, चाहे फिर यहाँ से बीच में रख लेंगे और थोड़ा सा इसका अगर साइज़ बड़ा करना है तो कंट्रोल्स के साथ टी दबाएंगे और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ हम अपने अनुसार जितना प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से सेट कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, उसके बाद दूसरा लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसको उठा कर यहाँ पर लाएंगे, कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे और फिर इसे भी इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी आधार या पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी हो या श्रम कार्ड हो या फिर कोई भी कार्ड हो अगर व्हाट्सएप से आया हुआ होता है तो उसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद आप अपने A4 साइज़ पे या किसी भी पेज पे आराम से प्रिंट कर सकते हैं, जो कि एक एक्चुअल परफेक्ट साइज़ में और एक अच्छी प्रिंटिंग वहाँ पर दिखेगी। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।